देखिए साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले, सबसे बिल्कुल कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं डायरेक्ट करेंगे हमेशा। सो रिलेटिव वेलोसिटी को लिखेंगे कैसे, तो हमने डायरेक्ट बोल रखा है कि भाई कभी भी अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आए तो उसको सिंबल हमने दे रखा है। लेट सपोज, लेट पहले ये डिफाइन कर देते हैं, लेट वी ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए, वी ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए, वी ए वेक्टर, वी बी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ऑफ बी, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एंड कार हो सकती है ये, कोई पर्सन हो सकता है, जो भी मूव कर रहा है उसकी बात कर। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज रिप्रेजेंटेड बाय is represented by the symbol VAB, and it is given or calculated by as following. VAB is equals to, ये है क्या, इसको कैसे लिखेंगे, v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, v a b, v a माइनस v b, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, v a b, v a माइनस v b। ध्यान रखना है इस जगह पर स्पेशली वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, जिसके रेस्पेक्ट में होगी वो उसमें से माइनस करना है, मतलब ए को माइनस करना है बी में से, आपको ये ध्यान रखना है ना, जो विद रेस्पेक्ट टू है उसके उसमें से माइनस होगा। वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, और इसको क्या रीड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, जिसकी निकाल रहे हैं, जिसकी निकाल रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो माइनस होकर के आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बस ये फॉर्मेट रहेगा। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं कुछ भी पूछ लूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी, ये सब इसी बेसिक फॉर्मेट, इसी तरीके से चीजें चलेंगी, तो आपको एज इट इज इसको नोट डाउन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली अगर मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P with respect to Q, यही ले लेते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो P with respect to Q है तो V PQ लिखेंगे, और इसको find कैसे करेंगे, VP minus VQ। इसी तरह से किसी ने पूछा, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखना है कंपलसरी, ध्यान रखना है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वेक्टर है, वेक्टर का मतलब वेक्टर जब मैं हटाऊंगा तो मुझे इनकी मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन दोनों चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर कोई इधर चल रहा है एक ऑब्जेक्ट और कोई इधर जा रहा है, मान लीजिए ऐसे आमने सामने आ रहे, तो इसकी डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो फिर इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो जहां माइनस है उसके बाद भी एक और माइनस आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, वी बी ए बोले तो वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इसके हम कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस करेंगे, पहले ये बता दो कि यहां तक कितनों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस लेकर के, केस वन, ठीक है, केस वन लिया हमने, बिल्कुल एज इट इज ही नोट करना है आप लोगों को भी। मान लीजिए दो कार है, दोनों वेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो लेट सपोज
दिस इज द कार ए एंड इट्स वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम इज वी ए, और इससे यहां पर चल रही है कोई दूसरी कार और इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली है वी बी। आप चाहें तो इसको अब हम वैल्यू दे करके भी करेंगे, तो समझने के लिए आप मान करके चलेंगे एक क्यू वैल्यू ले रहे हैं हम इसकी 100 मीटर पर सेकेंड और इसकी ले रहे हैं लेट सपोज मान लीजिए 70 मीटर पर सेकेंड, है ना। जिससे तो पहले हम जनरल करेंगे वी और वीबी की टर्म्स में करेंगे और फिर उसके बाद हम वैल्यूज की टर्म्स में करेंगे ताकि हमें आंसर्स भी साथ के साथ समझ में आता जाए। सेम डायरेक्शन का मतलब है चाहे आप इधर ले ली डायरेक्शन तो इधर दोनों चल रहे हैं, अगर ये इधर जा रही होती तो दूसरी भी इसके पीछे, यानी कि दो कोई से भी व्हीकल है वो एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन एक ही रोड के अलोंग चल रहे हैं कहीं पे भी। तो हमें नहीं पता इस डायरेक्शन को, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं जनरली पॉजिटिव। तो ये जो भी वी ए की वैल्यू आप लिखोगे वी ए की वैल्यू तो इसको क्या लिखोगे वी ए और डायरेक्शन इसको क्या ले ली पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्लस वी ए है ऐसे, तो ये प्लस तो आ गया यहाँ पे डायरेक्शन का, वी ए खुद है, वी बी भी किधर की तरफ चल रही है इसी डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए ये वी बी की डायरेक्शन क्या हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। अगर किसी को ये भी तकलीफ देता हो तो आप इसी को कैसे लिख लो, उसको आई कैप मान लो, इस डायरेक्शन को एक डायरेक्शन बोल रहे हैं ना, तो वी ए आई कैप सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जो अभी बता रहा हूं ये आई कैप, उससे क्या होता है प्लस माइनस की सारी मिस्टेक्स खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है यहीं पर गड़बड़ चालू होती है, प्लस मान लो माइनस मान लो, डायरेक्शन अगर आप हॉरिजॉन्टल ले ही रहे हो तो यार आई कैप मान लो सबसे बेस्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब यहां पर पूछा है देन फर्स्ट देन फाइन, आपको ऐसे बोला देन फाइन वी ए बी एंड वी बी ए, दो ही चीज फाइन कर सकते हैं, या तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी या बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। अब रीड करना आना चाहिए कि मैंने ये जो लिखा है ये ए के रेस्पेक्ट में बी है या बी के रेस्पेक्ट में ए है, है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, वहां पे शायद आपको बोर्ड पर विजिबल नहीं हो रहा होगा, वी ए बी वैक्टर एंड वी बी ए वैक्टर, ठीक है। तो अब आपको ये रीड करना आ जाना चाहिए कि व्हाट इज वी ए बी एंड व्हाट इज वी बी ए। वी ए बी का मतलब हो गया जो पहले लिखा हुआ है उसकी वेलोसिटी निकाल ली, किसके रेस्पेक्ट में निकाल ली है जो पीछे लिखा हुआ है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए कितने से चल रहा होगा। तो अब पहले हम कॉमन सेंस, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, आप खुद सोचेंगे ये चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से और ये चल रहा है 70 मीटर पर सेकेंड से, तो ये फास्ट चल रहा है तो इसका मतलब ये इसको ओवरटेक करेगा। अब हम ये पूछ रहे हैं बी ए बी, बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करते हैं उसको रुकावा मान लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर उस जगह होता है जिसके रेस्पेक्ट में कोई भी चीज कैलकुलेट की जा रही है, व्हाट एवर थिंग्स आर बीइंग कैलकुलेटेड, है ना। तो ऑब्जर्वर शुड बी देयर विद रेस्पेक्ट टू व्हाट एवर थिंग्स वुड बी कैलकुलेटेड, द ऑब्जर्वर शुड बी देयर, ठीक। तो इसका मतलब हुआ बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम का मतलब ऑब्जर्वर, वेयर आर यू, यू आर इनसाइड द कार बी। तो अब आप कार बी में हो और आपकी कार कितने से आगे चली जा रही है 70 मीटर पर सेकंड से, पीछे से एक कार आ रही है 100 मीटर पर सेकंड से, लेकिन आप भी चले जा रहे हो तो आपको क्या लगेगा वो कार आपके रेस्पेक्ट में कितने से पीछे आ रही होगी 30 मीटर पर सेकंड से, क्यों, क्योंकि आप तो आगे जा ही रहे हो वो भी पीछे आ रही है, तो वो पीछे आ रही है लेकिन आप भी उतनी देर में आगे आ रही हो तो कितनी सी फास्ट नजर आनी चाहिए। थोड़ा ये कॉमन सेंस के बेस पे बोल रहा हूं, है ना, मैथमेटिकली तो प्रूव करूंगा ही। सो 100 मीटर पर सेकंड से आपके पीछे कार आ रही है, लेकिन अगर आप रुके हुए होते तो 100 मीटर से ही दिखती आपको कि यार आप यहाँ पे रुके हुए हो, तो पीछे से कार आती तो क्या और नजर आती 100 मीटर से नजर आती, लेकिन आप चल रहे हो साथ में तो उस साथ में चलते चलते हुए मैं 70 मीटर पर सेकेंड पोर्शन, तो उसका और आपका कॉमन हो गया। तो अब आपने जब आप अपने आप को रेस्ट पे माना, इसका मतलब आपने रेस्ट पे करने के लिए क्या बोला 70 मीटर पर सेकंड को जीरो अज्यूम कर लिया, तो इसकी भी तो 70 मीटर पर सेकंड जीरो अज्यूम कर ली जाएगी, तो इसका कितना सा पोर्शन बना 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड से आपको अपनी तरफ आता हुआ नजर आना चाहिए। इसका मतलब द वीए
relative velocity of A with respect to B should be 30 meter per second and direction should be this side. देखते हैं कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. First, VAB should be written as VA minus VB. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम ताकि हमको ये समझ में आए जो मैंने लॉजिक बताया आपको वो बिल्कुल सही है या नहीं. तो 100 लिया तो 100 की वैल्यू किधर मान ली है, आई कैप, और ये भी आई कैप. सो ये हो गया साहब हमारा 100 आई कैप, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वेक्टर हटा रहा हूं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, माइनस बीबी 70 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आई कैप. ठीक है, 100 आई कैप माइनस 70 आई कैप क्या हो गया, 30 आई कैप. VAB आ गया क्या भाई हमारे पास, 30 आई कैप, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या हम बोल दें, क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज 30 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज आई कैप जो हम मान रहे हैं. दिस इज अभी कितनों को कॉन्सेप्ट ये वाला समझ में आया. चलिए तो सबको समझ में आया. अब सेकेंड करते हैं साहब. सिमिलरली VBA, पहले से फिर से इसका लॉजिकल मीनिंग समझ लें कि क्या हो गया. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि VB माइनस VA. आपको A के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी चेक करनी है. ठीक है, इसका मतलब आपको चेक करनी है A के रेस्पेक्ट में. इसका मतलब आप कौन सी कार में बैठ गए, A वाली कार में. A वाली कार में आप बैठ गए, आपके रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी. तो आप खुद सोचो जैसे पेड़ वगैरह रखे हुए होते हैं और आप कार में बैठे हुए हो या ट्रेन में बैठे हुए हो, तो आपको क्या होता है, आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में, आप आगे जा रहे हो तो पेड़ वगैरह सारी चीजें आपके रेस्पेक्ट में कहां जा रही है, पीछे. जो चीज फास्ट चलेगी उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीजें पीछे छूट जाएंगी. तो अगर आप इस कार में बैठ गए तो जब आप यहां से, आपको तो क्या लग रहा है कि मैं इतना तेज जा रहा हूं कि आपके कंपैरिजन में तो बी वाली जो कार है वो पीछे की तरफ रह गई, है कि नहीं. इसका मतलब पीछे की तरफ रहेगी, इसका मतलब आपके रेस्पेक्ट में बी किधर जा रही है, आगे जा रही है कि पीछे जा रही है. तो 100 के रेस्पेक्ट में इसका तो 70 पोर्शन ही है. 100 को जीरो मान लूं तो ये इसमें तो 100 है ही नहीं, इसको 100 बनाने के लिए प्लस 30 और माइनस 30 करना पड़ेगा. तो प्लस 30 मिलके 100 को जीरो किया तो माइनस 30 बचा, माइनस 30 का मतलब तो डायरेक्शन इधर आ गई. इसका मतलब ये तो पीछे छूट जानी चाहिए. या लॉजिक से भी सोचे कि आप इतना फास्ट जा रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि आपके कंपैरिजन में यही कार रुकी हुई होती है ना, 70-70 दोनों का, 70 से भी अज्यूम कर लो दोनों का 70-0 मान लिया. तो इसका मतलब अब 70-0 मान लिया तो ये रुक गई, और इसके पास 70-0 माना तो 30 तो है, ये आगे बढ़ रही है और इसके कंपैरिजन में ये कहां छूट रही है, पीछे की तरफ ये जा रही है पीछे. इसका मतलब इसकी स्पीड, इसकी स्पीड बी की स्पीड ए के रेस्पेक्ट में कितनी आनी चाहिए, 30, और किधर की तरफ, माइनस की तरफ. देखते हैं आ रही है कि नहीं आ रही. VB की वैल्यू साहब सब्स्टिट्यूट करी मैंने, 70 आई कैप, डायरेक्शन तो वही है जो दे रखी है, माइनस फॉर्मूले का माइनस VA की वैल्यू, VAA कहाँ है, वो रहा 100 आई कैप, 70 आई कैप माइनस 100 आई कैप माइनस 30 आई कैप. इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा तमीज से, 30 माइनस आई कैप बोले तो 30 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई कैप. आई कैप के आगे नेगेटिव लगने का मतलब क्या है, जिस भी डायरेक्शन को आपने आई कैप माना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन. तो समझ में आया कि नहीं आया, कितनों को अच्छे से क्लियर हो गया.